ये भाई क्या कहते हैं कि इस टाइम फुल गर्मा गर्म तेल में हाथ डालकर और ये कबाब निकाल रहे हैं। ओए ये वाकई में एम शकील साहब है। ये चेक करें, इसकी साउंड चेक करें आप, और इसके अंदर से इन्होंने गर्मा गर्म कबाब निकाला। ये देखें भाई, हाथ नहीं जलते आपके? नहीं सर। क्यों? बस तजर्बा हो गया तकरीबन 15 साल। अच्छा, 15 साल हो गए आपको। तो ले जी, ऑर्डर आ चुका है। सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का इनका नमकीन मटन रोश। और अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पे इनकी नमकीन मटन हांडी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर डाली हुई हैं और सब्ज़ मिर्चें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पे इनके हैं बीफ चप्पल कबाब जो कि माशाल्लाह से साइज़ में बहुत ही ह्यूज लग रहे हैं। और अगर हम आगे आएँ तो ये इसकी सॉस टमाटर वाली जो कि कबाब के साथ मिलती है। और अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गया प्लेन चिकन काबली पुलाव। चेक करें, गाजरें डाली हुई हैं और ब्लैक किशमिश कह लें या शिकमिश कह लें। और अगर हम आगे आएँ तो ये चेक करें, ये तकरीबन 1.5 से 2 फुट का नान, इसका नाम है शहनशाही नान। ये 4 फ्लेवर हैं इसमें। यहाँ से ये कलवंजी है, अगर हम आगे आएँ तो यहाँ से ये गार्लिक है, और अगर हम लास्ट पे जाएँ तो यहाँ पे ये तिल है। तो ये माशाल्लाह से सारा फूड आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस अभी हम इसको करते हैं टेस्ट और फिर बताता हूँ कि नौशाक का देसी फूड का टेस्ट है कैसा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक, एंड आज आप मुझे देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्टाइल में। बेसिकली आज एक तो मैं खुश बहुत ज़्यादा हूँ। खुशी का रीज़न ये कि आपके भाई ने कॉन्टेस्ट विन किया और उसके ऊपर माशाल्लाह से 2000 का वाउचर विन किया है। तो मैं बात करूँ नौशाक की जो कि आपको बिल्कुल मेरे पीछे नज़र आ रहा है, और ये क्या कहते हैं कि अफगानी और देसी रेस्टोरेंट है। तो इससे मैं मौजूद हूँ DHA Phase 4 में। इसकी जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि Sector FFF है और DHA Phase 4 है। और यहाँ पे आज मैं एक्सप्लोर करूँगा इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, क्योंकि जो मेरा 2000 का वाउचर था उसमें सिलेक्टिव सी एक ही चीज़ आ रही थी और वो थी सिर्फ और सिर्फ हाफ कढ़ाई। तो मैं गया रहते कम बड़ा ख़राब है, मैंने ना थोड़े पैसे पलियों पा गए ना, तो प्रॉपरली इन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बेसिकली आज इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लोर कर, तो उसमें होगी इनकी मटन नमकीन रोश, उसके साथ होगा नमकीन मटन क्या कहते हैं कड़ाही, उसके साथ होंगे भाई कबाब्स। और माशाल्लाह से वो बता रहे थे कबाब, दूजा मेरा हाथ उधर है, मतलब इतने बड़े बड़े कबाब हैं, कबाब होंगे और इसके साथ क्या कहते हैं, फिर हम इसको डाइजेस्ट करेंगे क्या कहते हैं वो कैवे और गुलाब जामुन के साथ। तो माशाल्लाह से सीन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो ढलती शाम है, बहुत ही ज़बरदस्त क्या कहते हैं, आज इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्री के खाने के लिए। और बल्कि पैसे पे करने हैं मैंने यार, 2000 रुपये सिर्फ उसका क्या कहते हैं हाफ कढ़ाई आ रही है। तो बाकी देखते हैं कितना बिल बनता है, क्या सारा सिनेरियो है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर बताता हूँ कितनी ज़बरदस्त वीडियो और क्या सारा सिनेरियो है। तो चलें फिर आ जाएं। तो कोविड की वजह से सीन ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, और क्या कहते हैं जितनी भी डाइनिंग है वो सारा आउटडोर है, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। तो DHA में कुछ ज़्यादा ही सख्ती है, और यहाँ पे क्या कहते हैं जितना भी आपने फूड अवेल करना है वो यहाँ पे बाहर बैठ कर ही आपको मिलेगा। तो फाइनली ये आ गई हमारी मटन कढ़ाई जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही। तो सीन ये था क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको लैम भी मिलेगा और उसके बाद मटन भी मिलेगा। तो मैंने करवाई इसको मटन में, आप इसको लैम में भी करवा सकते हैं। तो अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी जाएंगी, तो साथ साथ मैं आपको बताता चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या जा रहा है। और आई होप कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह मटन चेक करें कितना ज़बरदस्त है और कलरफुल लग रहा है। कढ़ाई तकरीबन फाइनल एंड के ऊपर पहुँच चुकी है, तो जैसे ही रेडी होती है फिर मैं आपके साथ इसका फीडबैक शेयर करता हूँ। इसमें आपने क्या क्या डाला? टमाटर, सब्ज मिर्च और अदरक, मतलब कि लाल मिर्च का इसमें कोई है नहीं। सही है, ये प्योरली क्या कहते हैं काली मिर्च में बनते हैं। अच्छा, काली मिर्च और सब्ज मिर्च, वैसे हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही है सब्ज मिर्चों की और काली मिर्चों की। तो फाइनली अब बारी आ गई यहाँ की मेन अट्रैक्शन की, और ये यहाँ का नमकीन मटन रोश जिसको दम पुख्त भी कहा जाता है। तो ये मैंने करवाया यहाँ पे हाफ। ये चेक करें मछली की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं इसमें से।
बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये इसके साथ आ गया आलू। तो ये कितनी देर में तैयार होता है? ये भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। 2 से 3 घंटे लगते हैं इसके ऊपर। सही है, बेसिकली कोयले के दम पे बनता है और इसके अंदर दूसरे की बटर भी होती है। सही है, बस ठीक है। तो भाई बता रहे हैं कि इसको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और इसमें क्या कहते हैं कि जो दुम्बा होता है उसका जो फैट होता है वो इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसमें कोई ज्यादा मिसाले नहीं जाते हैं। जी, मसाले वगैरह बिल्कुल, जितना ये सिंपल है उतना ही जबरदस्त लग रहा है। तो ये यहाँ का मोस्ट स्पेशल नान, इसका नाम है शहनशाही नान। और ये बेसिकली 3 फ्लेवर्स में, इसमें गार्लिक, कलौंजी और उसके साथ क्या कहते हैं कि तिलों वाला नान। और इसकी लेंथ चेक करें, ये भाई लगाएंगे। अब ये सीन चेक करने वाले कि लगाएंगे कैसे। अच्छा अच्छा, ये उसका क्या कहते हैं कि गति भी इसके जितनी पूरी है। अब इसको लगाएंगे इसके अंदर और ये गया इसके अंदर। तो ले जनाब, ये नान लग चुका है और वाकई में बहुत ही महारत का काम है। आसिफ भाई हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने नान लगाया है और माशाल्लाह से काफी एक्सपीरियंस वाले बंदे लग रहे हैं, क्योंकि ये भाई नान लगाना कोई खाला जी का वाडा नहीं है। तो ले जनाब, ये आ गया हमारा शहनशाही नान। कितना जबरदस्त लग रहा है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि 3 फ्लेवर्स हैं, कुलवंजी है, सादा तिलों वाला है और उसके साथ क्या कहते हैं कि गार्लिक है। और साइज चेक करें आप इसका, ये चेक करें, जहाँ जहाँ तक ये कैमरा जा रहा है उधर उधर तक आपको नान ही नजर आ रहा है। 1.5 फुट, ये तकरीबन 1.25 फुट का है भाई, बता रहे हैं 1.25 फुट का नान है। तो अब बारी आ गई बीफ चप्पल कबाब की, जो कि वाकई में यार बहुत बड़ा लग रहा है। इसका इन्होंने बताया कि ये जो साइज है 220 ग्राम आई गेस ये कीमा है, और ये पककर तकरीबन कोई 180 ग्राम रह जाएगा। तो लेकिन माशाल्लाह से ये वाकई में ही बहुत ज़बरदस्त है। और ये हाफ में 2 आते हैं, मैंने हाफ प्लेट लगवाई थी, इन्होंने मुझे कहा था कि यार आप हाफ लगाओ, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया आपके। और ये स्पेशल है, और एम शकील भाई हैं जो कि यहाँ पे लगा रहे हैं इनको। ओए होए होए, चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनके ऊपर, वाकई में लग रहे हैं कि यार कोई कबाब है। तो लें जनाब जी, ये ऑर्डर आ गया हमारा, लगा दें इधर ही। ओए होए होए, चेक करें जी क्या ज़बरदस्त किस्म का मटन रोश है। ये चेक करें, गेम चेक कर रहे हैं आप इसकी। आए हाय हाय हाय, ये है ज़बरदस्त किस्म का रोश। और ये मछली की बोटी, आए हाय क्या मज़ा आने वाला। और गर्मा गर्म ये
अब मैं आपके साथ सारा फीडबैक शेयर करता हूँ, मेरा आज नौशाद के ऊपर जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी कढ़ाई की। यार ऑनेस्टली ऐसी कढ़ाई अभी तक पूरे लाहौर में मैंने कहीं पे भी नहीं ट्राई की। इवन उसमें काफ़ी अच्छे नाम है, मतलब वो भी इस तरह की कढ़ाई कहीं पे भी नहीं दे रहे। उसके बाद ये कहते हैं कि जो नमकीन मटन रोस्ट था यार, वो इतना कोई हेल्दी चीज़ है। जब मैंने उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, बेसिकली वो बिल्कुल ना ये कह लो कि ना उसमें सीन ये है कि किसी किस्म के ना वो हार्ड स्पाइसेस नहीं है, जिस तरह लाल मिर्च हो गई, ज़्यादा मसालें नहीं हैं, तो वो भी ना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। फिर मैं आगे आया क्या कहते हैं कबाब्स पे, कबाब्स का तो यार सीन ही अलग है ना। एक वो पूरा कबाब अकेला मैं खुद खा गया हूँ, और उसके साथ क्या कहते हैं कि फिर उनके जो काबली पुलाव थे वो क्या कहते हैं कि इंतहाई ज़बरदस्त वेल कुक थे, और उनमें जो गाजरों की खटास थी ना वो बड़ा ही मज़ा करवा रही थी, और जो किशमिश की मिठास थी आला सीन था। तो यार माशाल्लाह से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। और स्पेशली जो लोग मुझे DHA से देख रहे हैं, जो DHA के लोग हैं, वो अगर लाहौर में एक ज़बरदस्त किस्म का मतलब ज़रा हट कर क्या कहते हैं कि देसी और अफगानी खाना खाना चाहते हैं, मतलब DHA में रहते हुए, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ नौशाद में आएँ। आप यहाँ पर आकर रिग्रेट फील नहीं करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बाकी ये चीज़ है कि थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव है, मतलब कि टेक्स्ट टुक्स डाल के ना वो सीन थोड़ा सा ना बन जाता है। तो ये जी आ गया बिल। नमकीन मटन कढ़ाई जो मैंने करवाई थी हाफ, वो 1230 रुपए की थी। उसके बाद फिर जो नमकीन रोस्ट करवाया मैंने वो भी 1230 का था। फिर बीफ चपली कबाब हाफ करवाए थे वो 560 रुपए के थे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं काबली पुलाव चिकन में करवाया वो 590 का था। और कंधारी नान 140 का था, कैबा 70 रुपए का, और गुलाब जामुन 110 रुपए के दो पीसेस। तो जो टोटल बिल बना वो ये क्या कहते हैं आ रहे नज़र, ये बना मेरा 4560 रुपये, ठीक है ना। सिर्फ मेरी जो फ्री वाली चीज़ थी ना वो ये थी ऊपर, ये मटन आ जा ये नमकीन मटन कढ़ाई जो थी ना ये आपके भाई की फ्री में थी। तो भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह से मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, सब्सक्राइब का बटन नीचे है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और अगर इसके अलावा कोई और ऐसी ज़बरदस्त जगह जो मैं मिस कर गया हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको भी एक्सप्लोर करूँगा। एंड नाउ फॉर दिस टाइम, एंड मुझे दें इजाज़त टीम रियल फूडी के साथ। शाहिद मलिक, अल्लाह हाफिज़।